कैसे आप सब लोग, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग मैं शुरू करने लगी हूँ। आज मैं बहुत सुस्त हुई थी, अभी तकरीबन बज रहे हैं तो सोचा अब उठ जाऊं, कुछ काम ही कर लूं। और ये मेरी बेटी है, हेलो कर दो। हेलो, ये मेरी प्यारी बेटी नूर फातिमा है। और हाँ जी, मैंने YouTube पे और काफ़ी सारी जगहों पे, TikTok पे भी देखा, एक आजकल आए हुए बेसन से क्या कहते हैं, मोती चूर के लड्डू बनाना। सोचा मैं भी ट्राई करती हूँ, चेक करती हूँ कि मेरे बेसन के जो लड्डू हैं, मोती चूर के बेसिकली लड्डू कैसे बने हैं। मैंने उस रेसिपी को बार बार देखा, देखने के बाद अब मैं उस रेसिपी को ट्राई करने लगी हूँ। तो आप लोगों से भी शेयर करती हूँ और उस रेसिपी को बनाते हैं और शेयर करते हैं कि वो किस तरह बनी। अभी हम चलते हैं, सबसे पहले रेसिपी चेक करते हैं और फिर आपके सामने हाजिर होते हैं। अब हम इस वक्त किचन में आ चुके हैं और अब हम उस रेसिपी को ट्राई करते हैं और चेक करते हैं कि हमारे जो बेसन के लड्डू हैं वो कैसे बने। सबसे पहले ये देखिए, मैंने अब चलिए फटाफट से बनाते हैं और आपके सामने हाजिर होते हैं। अब आप देखिए, मैंने बाउल ले लिया और ये बेसन ले लिया और ये पानी ले लिया। अब हम जो है ना, एक कप के तकरीबन एक कप बेसन डाल देंगे। डालने के बाद अब हम इसमें, या जितना आपको चाहिए हो आप उतना भी डाल सकते हैं। डालने के बाद अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, या इसको घोल लेंगे। इस तरह अच्छे से घोल लेंगे, ना ज़्यादा थिक होना चाहिए हमारा और ना ज़्यादा पतला होना चाहिए। इसका टेक्सचर जो है वो कुछ इस तरह से हो कि इसको हम, देखिए हमने इस तरह का टेक्सचर बना लिया। अब हम जो है ना, उसके बाद अगला प्रोसीजर करते हैं। देख सकते हैं आप, मैंने इसको ना ज़्यादा गाढ़ा किया है और ना ही इसको ज़्यादा पतला किया है। अब हम जो है इसके बाद, अब हमने एक कढ़ाई रख ली चूल्हे पे और चूल्हा ऑन कर लिया। अब हम इसमें डालेंगे ऑयल। ये मैंने ऑयल डाला, इसमें से ना आवाज़ें आने लग गई हैं। जब तक इसकी आवाज़ें ख़त्म हो जाएंगी तब हमारा ऑयल जो है अच्छे से गर्म हो जाएगा। जब तक गर्म नहीं होता वेट करते हैं और इसको अच्छे से गर्म करते हैं। उस गर्म करने के बाद हम इस चम्मच की मदद से जो सारा मिक्सचर है उसको डालेंगे और उसको बनाएंगे, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। अब आप देखिए, हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें से आवाज़ें आना बंद हो गई हैं। अब हम जो है ना, इस चम्मच को इसके ऊपर रखते हैं और इसके ऊपर मिक्सचर डालते हैं। मैं एक ही हाथ से, मेरे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। सो हम जो है ना, इसको ऐसे रखेंगे और इसके ऊपर अपना मिक्सचर डालेंगे और देखिए, और ये हमारी पतली है। अब हम, ओहो गलत हो गया, नहीं, इसको भी हम अच्छे से बनाते हैं। इसको हम जो है ना, इसकी मदद से निकाल लेंगे ऑयल अच्छे से, सॉरी ऐसे, इसको हम निकाल के एक प्लेट में रख देंगे और जो है बाकी की सारी बूंदी हम बना के आपके सामने आते हैं। बूंदी जो है बिल्कुल रेडी है, गरम गरम है। अब हम इसको, ये मेरा जो है ना चॉपर है, इसमें डाल के इसको अच्छे से चॉप करेंगे और इसमें ग्राइंड भी हो जाता है तो सो इसको करते हैं। अब हम इसके अंदर डालते हैं, अब ये देखिए हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है, ये कुछ इस तरह से हुआ है। अब हम शीरा बनाएंगे। अब हमें देखिए, उसी कढ़ाई को हमने वापस रख दिया चूल्हे पे, हमने कहा ज़्यादा बर्तन ख़राब नहीं करते। उसके बाद हम जो है ना, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, आधे कप जितनी पानी होगा, और एक कप चीनी डालेंगे। Thank you.
ओके, अब उसके बाद हम इस शीरे को अच्छे से बनाते हैं, शीरे को बनाते हैं। और ये देखिए सब्ज़ इलायची, मुझे बहुत पसंद है इसकी खुशबू। सो इसके अंदर मैं इलायची डालने लगी हूँ 3 अदद। आप लोगों की मर्ज़ी है, आप डाल भी सकते हैं, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। सो अच्छे से हाथ से मैंने निकाल के छुरी से भी थोड़ी सी हेल्प ली है। अब हम इस शीरे को बनाएंगे और फिर फूड कलर इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा, जब तक कि हमारा शीरा बनता है। देखिए हमारा शीरा पता नहीं झाग क्यों बना रहा है, क्योंकि मैं तो बना रही हूँ फर्स्ट टाइम। सो देखते हैं क्या बनता है, पता नहीं कुछ इस तरह से हो गया, पर उसमें वीडियो जो मैंने देखी थी उसमें तो इस तरह नहीं था। सो देखते हैं क्या होता है अब। और ये भी हमने, ये वैसे बहुत मज़े की टेस्टी बनी हुई है, थोड़ी सी मैंने ना थोड़ी सी ट्राई की है, अमेजिंग, इसको तो खाने में मज़ा आ रहा है। पर ये कैसी बनती है अब ये नहीं आइडिया। देखते हैं, चलें इसको थोड़ा सा गाढ़ा करते हैं, फिर देखते हैं कि ये क्या बनता है। 5 से 6 मिनट हो गए, ये कुछ इस फॉर्म में हो गया। अब हम इसमें जो है थोड़ा सा कलर डालते हैं। पता नहीं क्या बनेगा। सो ये देखिए हमने कलर ऐड कर दिया, ज़्यादा तो नहीं डल गया। अच्छा अब हम इसमें ये मिक्सचर डालते हैं और इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। वाओ बन रहे कुछ इसी तरह। अब हम ये सारा अच्छे से मिक्स करते हैं। ये देखिए ये हमारा कुछ इस फॉर्म में बन गया है। अब हम इसको ठंडा करने के लिए रखते हैं और फिर इसके लड्डू बनाते हैं। ये देखिए अब हमने निकाल लिया, अब हम इसके लड्डू बनाते हैं। ये थोड़ा सा ना हार्ड सा हो गया, मे बी मैंने चीनी ज़्यादा डाल दी है, इसकी प्रॉपर बन नहीं रहे। टेस्ट में बहुत अच्छे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये ऐसे क्यों हो गया, इसके लड्डू नहीं बन पा रहे। ये देखिए बहुत हार्ड हो गया। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।